हेलो किसान भाइयों, आज हम दुनिया की सेटिंग की बात करेंगे। मेरे पास है रेनफोर्स का महिंद्रा की तरफ से आने वाला थ्रेसर। जो सेटिंग बताऊंगा वो आप किसी भी मल्टीक्रॉप थ्रेसर के ऊपर लागू कर देना, वो उस पर काम कर जाएगी। किसान भाइयों, इन पांच चीजों का तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। कटर कौन सा डालना है, रोटर की स्पीड क्या रखनी है, ब्लेड और जाल के बीच का गैप कितना रखना है, छानने की चाल और जाले कौन सी डालनी है, हवा की फैन बेल्ट और ट्रैक्टर के आरपीएम कितने होने चाहिए। किसान भाइयों, ये मशीन का सबसे बड़ा जाल है, ये आपको दाने की सेटिंग के लिए यूज करना है। ये डालोगे तो इसमें से एक समस्या आएगी आपको दाना उड़ाने की। तो आप मशीन के जो चोक करने के पर्दे दे होते हैं, जैसे कि दो नट हैं पीछे वाले, इनको पूरा कस दीजिए या जो पतरा होगा वो कटर जाल से चिपक जाएगा। और इसके बाद ये एक लीवर दे रखा है ये वाला, इसको भी आप फुल नीचे कर लीजिए। ये भी एक पतरा होता है जो ये जाले से चिपक जाएगा तो जाल छोटा हो जाएगा, तो दाना भी नहीं फूटेगा और धनिया नहीं उड़ेगा 100%। किसान भाइयों, रोटर की स्पीड आपको कम रखनी है, नीचे छोटी पुली और ऊपर बड़ी पुली पर आपको ये तीन बेल्ट चढ़ाना होगा। और रही बात जो ब्लेड और जाल के बीच का गैप है, वो आपको 1 इंच रखना है। अभी इसमें 1/2 इंच सेट हो रखा है सरसों के लिए। धनिया के लिए आप 1 इंच का गैप रखना होगा, धनिया नहीं फोड़ेगी। छानने की स्पीड ट्रैक्टर के आरपीएम कम होने के कारण आपको तेज रखनी है। और ये नट ढीला करके झूले की चाल आपको 1.5 इंच सेट करना होगा, धनिया अच्छे से छन जाएगा। किसान भाई, ऊपर वाली जाली आपको सबसे बड़ी डालनी है 10 mm, जो कि फिक्स होती है हर फसल के लिए। इसके नीचे वाली दूसरे नंबर की जाली आपको 6 mm की डालनी है, ये देख सकते हो जो 6 mm की जाली है। आगे वाली जाली है जो नाली के अंदर लगती है, ये वाली जाली आपको, ये भी आप 5.5 mm या 6 mm डाल सकते हो फसल की सफाई के अनुसार। हवा की प्रेशर प्लेट आपको आवश्यकता के अनुसार रखनी है, इतनी रखनी है कि आपका ऊपर वाला जो जाना है वो आप ज़्यादा चोक नहीं होना चाहिए, इसमें माल इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से आप रख सकते हो। फैन बेल्ट आप 2 नंबर पर रख सकते हो, यदि 2 नंबर में आपकी धनिया उड़ा रही हैं तो आप 1 नंबर भी रख सकते हो। ट्रैक्टर के आरपीएम 10 से लेकर 12 के बीच में रखना है, ताकि धनिया भी ना फूटे और दाना भी ना उड़े। किसान भाइयों, ये था धनिया की सेटिंग का वीडियो। किसी और फसल की सेटिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना नए किसान भाइयों के साथ जो नया थ्रेसर लेने के बाद सेटिंग समझ में नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय जवान, जय किसान।